और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। इस वक्त की एक बड़ी खबर जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा करें। इस प्रशासनिक फेरबदल में मंजुनाथ भजंत्री को रांची का डीसी बनाया गया है। तो रांची के अब डीसी होंगे मंजुनाथ भजंत्री। कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी की है। शशि प्रकाश सिंह बने हैं जामताड़ा के डीसी। उत्कर्ष गुप्ता लातेहार के डीसी नियुक्त हुए हैं। ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, रांची डीसी चुने गए हैं मंजुनाथ भजंत्री। कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है, जिस दौरान कई जिलों के डीसी बदले गए हैं। शशि प्रकाश सिंह भी नियुक्त किए गए हैं। उत्कर्ष गुप्ता लातेहार के डीसी बने हैं। कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है। मनीष कुमार पाकुड़ के डीसी बने हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जानकारी अपने दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, मंजुनाथ भजंत्री को रांची डीसी का पद। कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी की है, जिस दौरान कई जिलों के डीसी बदले गए हैं। शशि प्रकाश सिंह बने हैं जामताड़ा के डीसी। उत्कर्ष गुप्ता लातेहार के डीसी नियुक्त हुए हैं। कार्मिक विभाग ने यह अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है। मनीष कुमार पाकुड़ के डीसी बने हैं। पवन कुमार प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर का जिम्मा उन्हें दिया गया। अधिक जानकारी के साथ हमारे रांची से संवाददाता इमरान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। इमरान, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, राजधानी रांची के भी डीसी बदले गए हैं, मंजुनाथ भजंत्री को ये पद, और इसके साथ ही जामताड़ा पाकुड़ कई ऐसे जिले जहां के डीसी बदले गए। देखिए, बिल्कुल चुनाव से ठीक पहले जो है वो राज्य सरकार ने कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है, जिसमें रांची के डीसी जो थे राहुल कुमार सिन्हा, उनका तबादला करते हुए मंजुनाथ भजंत्री को रांची का नया डीसी बनाया गया। परियोजना निदेशालय में पदस्थापित जो है एड्स कंट्रोल सोसाइटी रांची में पदस्थापित थे पवन कुमार, उनको हस्तांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रभारी प्रमंडलीय आयुक्त के उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग के पद पदस्थापित किया गया। इसी तरह से अपर सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग में पदस्थापित जो है रंजीत कुमार लाल को जो है स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जो है प्रबंधक निदेशक झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड रांची में पदस्थापित किया गया है। ठीक इसी तरह से अगर हम कहें तो प्राथमिकी शिक्षा झारखंड रांची में पदस्थापित शशि प्रकाश सिंह को हस्तांतरित करते हुए, मतलब तबादला करते हुए जिला दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है जामताड़ा के लिए। और इसी तरह से अलग अलग लोगों को भी जो है ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। चूंकि चुनावी वक्त में ये सारी चीजें जो है अमूमन कॉमन मानी जाती हैं, कई फेरबदल जो है आईएएस और आईपीएस के साथ साथ कई विभागों में देखने के लिए मिलता है, ऐसे में इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। इस तबादले पर जो है भाजपा के जो सांसद है निशिकांत दुबे ने जो है वो ट्वीट करके भी निशाना साधते हुए मंजुनाथ भजंत्री पर निशाना साधा है, रांची में दी गई पोस्टिंग पर सवाल उठाया है। तो कहीं ना कहीं एक और जहां सरकार जो है कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर रही है, तो वही राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो भाजपा इस पूरे मामले को लेकर के आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। और जो भाजपा के सांसद है निशिकांत दुबे, उसने सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर जो है जानकारी शेयर की है, रांची डीसी बनाए जाने पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। चलिए इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। कई ऐसे जिले हैं जिनके उपायुक्त के तबादले हुए हैं और मंजुनाथ भजंत्री को रांची डीसी का यह पदभार सौंपा जाएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।